कैसे हो आप सब? आज सुबह सुबह कौन गेम प्ले वीडियो में और चलो मैच में खेलते हैं। यहाँ पर सोलो वर्सेस स्क्वाड है, यहाँ पर मैं पायरेट प्लाजा में आता हूँ। साथ में यहाँ पे M4 और मिनी मिल जाती है। प्लाजा में आओ तो भाई दो स्क्वाड, तो अब देखिए कैसे भरते हैं। तो जब मैं यहाँ पीछे आता हूँ तो मेरे को यहाँ एक बंदा स्पॉट होता है, बट वो कवर में जा चुका था। मैं सोचता हूँ यहाँ पर मैं राइट से फ्लाइंग करूँगा, बट भाई बंदे तो चालाक निकले भाई, स्पॉट कर लिया इस बंदे को। भाई क्या ही हेड हेड बजाए ना भाई, इसकी तो बोंगी बज गई होगी। दूसरे बंदे को मैं डैमेज देता हूँ, मैं करूँगा रश, पर भाई सामने से शॉट्स ही शॉट्स आ रहे हैं। 12 के स्कारल भाई, मतलब कतई बूम बम चल रहा होता है सामने, मेरी भाई फट जाती है। एस ट्वेल्व के भाई मैं सोचता हूँ फिर रश करूँ कि नहीं, बट मैं ट्राई करता हूँ रश करने। तो मैंने यहाँ पे एक नेड कुक किया, मुझे लगा था एक आध दो बंदे तो फटेंगे ही फटेंगे, पर भाई एक भी बंदा नहीं फटता लिटरली। और ये बंदे भाई इतने बड़े कैंपर होते हैं भाई, मतलब क्या बताऊँ, बंदे कैंप करते हैं भाई, पूरे तीन बंदे होकर कैंप कर रहे हैं। फिर मैं डिसाइड करता हूँ मैं करूँगा ऐसे फॉल बैक, क्योंकि ये बंदे तो निकलने वाले हैं नहीं। तो मैं आ जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को एक बंदा स्पॉट होगा, ठीक है देखते रहिए। इस बंदे को करता हूँ मैं नॉक, बट इतने में मेरे को स्कारल से शॉट्स आते हैं। वहीं पेड़ पे एक बंदा पहले आ चुका था जिसको मैं नहीं देख पाता। फिर यहाँ दूसरा बंदा आता है, तीसरा बंदा, जिसको मैं शॉट्स देता हूँ। मेरे को कोई भी आइडिया नहीं था कितने बंदे हैं, मैंने मान के चला था 4 मैन स्क्वाड है, ठीक है। तो जब मैं राइट से जा रहा होता हूँ तो इस वाले राइट वाले अपार्ट से मेरे को साउंड आता है, तो मुझे लगता है उनका एक बंदा फ्लैंक करके आ चुका है। ओ भाई यहाँ तो फिर मैं बड़ा कंफ्यूज, इनको मारूँ कि उनको मारूँ, बट कोई नहीं, बट बेसिकली बॉट निकलता है, ठीक है। तो मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ। फिर मुझे पता था वो बंदे राइट से ही आएंगे पूरा नीचे से, तो देखते जाइए उनको कैसे लपेटते हैं भाई। भाई इस बंदे को जो हेड पड़ी ना भाई, मतलब इसको कते पगला गया एस्ट्रल के भाई, मतलब इतनी दूर कहाँ दादा कहाँ पड़ेगी एस्ट्रल के। और यहाँ पर एक बॉट देखता है, बॉट को भी नॉक देता हूँ मैं। इसका जो दूसरा बंदा होता है इसके नशे देखना, देखो देखो देखो, मतलब कतई सुपरमैन बना जा रहा है, उड़ने का कोशिश कर रहा था बेचारा। और एक तीसरा बंदा तो कतई बॉट मारने में मग्न था। यहाँ मेरे को फिर से दो भाई बॉट मिल जाते हैं, बॉट इज कॉल्ड केडी ब्रो, केडी। मैं दोनों को नॉक डालता हूँ, ठीक है। नॉक करने के बाद मैं यहाँ से थोड़ा लूट वूट करता हूँ और मैं निकलता हूँ सीधा जोन। तो कार लेके मैं आ जाता हूँ भाई अपार्ट्स, और यहाँ मुझे लगता है कि दो स्क्वाड फाइट कर रहे हो, मेरे यहाँ फट जाती है और मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। बट ऐसा नहीं होता भाई, ये भाई चारों के चारों दो केड़े के नूब रहे भाई, बॉट मारने आए हुए होते हैं, मतलब कति बॉट बॉट खेल रहे हैं क्या ये सर्वर। मैं यहाँ गाड़ी रोकी तो मेरे को शॉट्स आए थे और मैंने इसको हल्का सा डैमेज दिया। भाई बंदे तो कतई गुस्से हो गए भाई, मतलब क्या बताऊँ, आप खुद ही देखना, चारों के चारों भाई रश करने आ गए मेरे पे। तो मैं तो यहाँ TPP लेने लगा पार्ट्स में आके, क्योंकि मेरे को राइट से साउंड आ गई। अब मेरे को राइट से चारों के चारों बंदे बंदे भाई ऊपर में आ जाते हैं, पता ही नूबड़े देखना। तो मेरे यहाँ फट चुकी थी, क्योंकि पहले चाहिए मेरे को अपने को एक कवर प्रॉपर, मैंने कवर लिया है। और यहाँ पर मैंने अपना पेशेंस लेवल बनाए रखा, मैंने सोचा कि जैसे ही क्लोज आएंगे तैसे ही मैं इनको भरूंगा बारी बारी, देखते जाइए। एक नॉक दिया, कवर लिया मैंने प्रॉपर। फिर मैं थोड़ा ओपन जाके मारने का ट्राई करता हूँ, बट मेरे को थोड़ा डैमेज हो जाता है। अब जो एस्ट्रोल के से गलत सीन होगा वो देखना। तो ज़रा गाइस कमेंट करके बताना मैंने उसको कितने हेड और कितने एस्ट्रोल के शॉट्स मारे। और यहाँ मेरी फटके भाई चार हो चुकी थी, क्योंकि एस्ट्रोल के का डैमेज ब्रो रजिस्टर ही नहीं हो रहा था। तो मैंने यहाँ डिसाइड कर लिया था मैं करूँगा भाई M4 से सीधा रश। यहाँ ये दे रहा होता बंदा रिवाइव, तो मैं इसको डालता हूँ सीधा नॉक और एक को डालता हूँ सीधा फिनिश। देन मैं यहाँ निकलता हूँ उन दो बंदों की तरफ जो बाकी बचे हुए होते हैं, और मैं सीधा जाता हूँ अपार्ट्स में। अपार्ट्स में जाने के बाद मैं यहाँ से लेता हूँ डायरेक्ट जंप। ओ भाई भाई मिस रिया, हेलो मैम। और यहाँ भाई चारों के चारों बंदे भाई ख़त्म, स्क्वाड वाइप। और मैं हील करने के बाद सीधे फटाक से मैं आ जाता हूँ स्टेडियम, बिकॉज यहाँ से मेरे को थोड़े शॉट्स आ रहे होते हैं। पीछे तो मेरे को कोई बंदा नहीं दिखता, तो मैं सीधा निकल जाता हूँ स्टेडियम की छत पर, और छत पर मुझे जाके एक बंदा स्पॉट होता है। तो आप ज़रा कमेंट में बताना वो बंदा आपको स्पॉट हुआ कि नहीं हुआ। जस्ट इस पोजीशन में बंदा वो बैठा होता है,
तो वो जब मार चुका था नीचे, तो यहाँ पे मेरे को सीधे एक सामने एक बंदा स्पॉट होता है स्विमिंग पूल में, तो मैं इसको डालता हूँ सीधा नॉक। और यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल इशू हो जाता है बिकॉज मेरा यहाँ नेट चला देता है, मैं नेट करने का सोचता हूँ बट मैं नहीं करता क्योंकि बंदे होते हैं स्विमिंग पूल में, विंडो पे नहीं होते, तो मैं करता हूँ सीधा रश। अब यहाँ देखना भाई, मतलब मैंने पहले एक शॉट मारा वो लगा ही नहीं भाई, मेरे यहाँ फट चुकी थी फिर से। फिर मैं एक निकालता हूँ नेट, क्योंकि भाई तीनों के तीनों बंदे भाई फील्डिंग लगा के बैठे हुए थे, मैं नेट करता हूँ वो बंदा डैमेज होता है। और इस दो केड़ी के नूबड़े को देखो, मतलब कतई फील्डिंग लगा रहा है, हराम ज़्यादे ये ले साढ़े मेरे को मारेगा। और ये तो भाई कतई मतलब गांजा वाजा फूक के मार रहा था भाई, मतलब ये दोनों तो आपस में लड़ने लगते हैं, उनने वाला भाड़ में जाए एनिमी हम तो साला तुझे पहले मारेंगे ठीक है। तो मेरे को लगता है वो बंदा नीचे चला गया, बट ऐसा नहीं होता, वहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत दिखता है रेंडर होके ग्लिच कि बंदा ऊपर वाले रूम में है। और इसकी तो कतई अलग लेवल पर फटी पड़ी थी, बंदा फायर ही नहीं करता है, दे जिगल पता नहीं क्या कर रहा होता है। तो मैं अपार्ट से सीधे गाड़ी निकाल के वेयर हाउस आके चेक करता हूँ यहाँ कोई नहीं होता, क्योंकि मेरे को श्योर करना था पीछे से मेरे को कोई बैक स्टेप ना कर दे। मैं यहाँ पे ओपन में गाड़ी रोक देता हूँ क्योंकि ओपन का ही जोन था, और मेरे को यहाँ पे गिली ड्रॉप पे गिली सूट वाला बंदा स्पॉट होता है। देखना भाई क्या ही बताऊँ, अगर इस पर आरपीजी या ऑम होती ना बंदा भर देता लिटरली भाई। मैं फटाक से यहाँ पे एक मेडिकेट अप्लाई करता हूँ, और मेरे यहाँ फटी पड़ी थी क्योंकि सामने वाले बंदे पे थी भाई एमके, और वो टैप 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 मारे जा रहा था, पता नहीं इसको बवासीर हो गई थी, पता नहीं क्या हुआ था। और साथ ही साथ मैं अपना बूस्टर लेवल पूरा करता हूँ भाई, बूस्टर लेवल बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक स्मोक उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। ना ये बंदे का स्पीक वीक करेंगे भाई, बंदे को क्या ही डैमेज दिया पता नहीं यार, हराम ज़्यादा क्यों नॉक नहीं हुआ वो। तो अपन थोड़ा वेट वेट करते हैं, फिर मैं एक और स्मोक कर देता हूँ अगेन, फिर देखना बंदे अभी ओपन से आएंगे, अभी देखते जाना तुम्हारा भाई क्या करता है। मैं यहाँ बूस्टर लेवल पूरा रखता हूँ क्योंकि जोन का गंदा डैमेज पड़ रहा था भाई, बंदे को मैंने पता नहीं इतना डैमेज दिया इतना वो किया, और मैंने एकदम अपना स्प्रे रोक दिया, मेरे को लगा वो बंदा नॉक हो गया लिटरली। फिर यहाँ पर मेरी बहुत ज़्यादा हेल्थ लो हो जाती है, तो मैं एक फर्स्ट एड पॉपअप कर लेता हूँ, और मैं किल फील्ड में देखता हूँ बंदा जोन से नॉक हो चुका है, तो मैं सीधा घुसता हूँ जोन के साथ साथ। मैं यहाँ पे फिर से दोबारा फर्स्ट एड पॉपअप करता हूँ बिकॉज भाई जोन बहुत गंदा डैमेज दे रहा था लिटरली, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। चिक्का गया तो गाइस ये थी इसकी गेम प्ले में, कैसा लगा गेम प्ले कमेंट करके जरूर बताना। गेम प्ले अगर थोड़े से भी लगा तो प्लीज इस वीडियो पे लाइक जरूर करना, चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो, सब्सक्राइब कर रेगुलर से तभी गेम प्ले से मिल जाए, इसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो भाई अभी के भी जाओ और फॉलो कर लेना। और ये थी इसकी गेम प्ले में, मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले में, तब तक के लिए बाय बाय।